मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए आज एक न्यू मिनी ब्लॉग लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ छोटे छोटे प्लांट लगाए थे, तो ये सब मेरे प्लांट लग गए हैं गुलदाउदी। तो मैंने क्या किया, मेरा ये बेलपत्र का पेड़ पूरा सूख गया था, क्योंकि दोपहर में पानी डालने से क्या होता है कि प्लांट की पत्तियाँ जल जाती हैं। बहुत तेज़ धूप थी, पतझड़ थी, तो फिर मुझे एक उम्मीद बाकी थी कि मुझे इसमें दोबारा से पत्तियाँ आएँ। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर एक इस तरह से बना दिया, जिससे अगर जब हम इन प्लांट में पानी डालेंगे तो इसका पानी बहकर बारिश का पानी इधर इकट्ठा होगा, तो दोपहर में तो सारा पानी धूप से उड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, ये देखिए। मैंने यहाँ पर एक पत्थर रख दिया था ये शिवलिंग के आकार का, तो इसमें से आप देखिए बेलपत्र की नई ग्रोथ आ रही है, बेलपत्र की पत्ती की। और आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखिए यहाँ पर से भी एक न्यू रूट आ रही है बेलपत्र में। इसका मतलब ये बारिश में अपने आप, इसमें अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से बारिश में न्यू ग्रोथ होगी इस बेलपत्र में, और उसका प्रयास जारी है। अब मैं इसमें दोपहर तेज़ धूप होने के बाद 9-10 बजे के बाद पानी नहीं डालूँगी, मॉर्निंग में ही बेलपत्र में पानी डालना है, और नाइट में डालेंगे तो काई लग जाएगी आपके प्लांट में। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हर सिंगार भी पतझड़ में और धूप में सूख गया था, तो उसमें भी पानी डालने से नीचे से न्यू ब्रांचेज आ रही हैं और इसमें लीफ भी आ रही हैं। इस तरह से आपको समर में अपने प्लांट का ध्यान रखना है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू टिप्स, समर टिप्स के साथ। बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।